डेयरी उद्योग की ये खासियत है कि ये घर के पिछवाड़े बंधे दो मवेशियों व ग्राम स्तर पर दूध संग्रहण से लेकर वृहद दुग्ध संयंत्र तथा महानगरीय वितरण तक छोटे बड़े हर पैमाने पर चलाया जा सकता है। ऐसे ही एक सफल उद्यमी हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बेदीपुर गांव के रहने वाले कमलेश कुमार जी। इनकी आदर्श डेयरी नाम से दूध उत्पादन की ये इकाई आसपास के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। वैसे तो ये दुग्ध व्यवसाय से काफी समय से जुड़े हैं, लेकिन वर्ष 2015 से कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण पाने के बाद दुग्ध उत्पादन के साथ साथ दुग्ध उत्पाद भी बनाने लगे हैं। हर रोज लगभग 1000 लीटर दूध की खपत के साथ साथ इनके दुग्ध उत्पाद जैसे कि मीठी दही, मट्ठा और पेड़े इत्यादि की अच्छी बिक्री हो जाती है। इनके पास स्वयं के कुछ मवेशी भी हैं, जिनके दूध के साथ साथ इनके यहाँ अब पास के क्षेत्रों से भी दूध की आपूर्ति की जा रही है। कमलेश कुमार जी को कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। कमलेश कुमार जी अपने इस दुग्ध व्यवसाय से प्रतिदिन 5000 से अधिक की आमदनी कर लेते हैं। 2015 में हमने जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कि हमारे कुमारगंज फैजाबाद की एक शाखा है, वहाँ से हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई गई। तो वहाँ पे हमारे जितने भी वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें सलाह दिया कि आप दूध के साथ साथ उसके उत्पाद भी बनाइए। उन्हीं के सहयोग से हम लोगों ने तो अपना प्रोडक्ट भी जो है बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। हमारा प्रोडक्ट जो है, जैसे मीठी दही हुआ, सादी दही हुआ, गर्मियों के दिनों में मट्ठा, और उसके बाद में जो है खोया, पनीर, इस तरीके से हमारा डेली का डेली जो है लगभग 5-6 हज़ार रुपये के करीब हमारा इससे आ जाता है। दूध के लिए ऐसा है कि जो है हम बाहर से भी लोगों का दूध खरीदते हैं, जो कि हमारे यहाँ चेकिंग होती है डेली, फैट और लैक्टोमीटर देखा जाता है, SNF देखा जाता है, उसी के आधार पर सबको दाम देते हैं हम लोग। और बाकी रही, हम अपना खुद भी जो जानवर पाल रखे हैं, हमारे पास जो है लगभग 25-30 जानवर हैं, जिससे हम खुद भी जो है लगभग 300 लीटर दूध के करीब डेली पैदा कर ले रहे हैं। आज ये अपने इस दुग्ध व्यवसाय से काफी संतुष्ट हैं और खुश भी हैं।